सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, 1 जून 2021 से यानी कि कल से जो नए नियम लागू होने वाले हैं, जो चेंजेस होने वाले हैं, इसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कल से आपको काफी सारे ऐसे कंप्लायंसेस हैं जिसके पीछे लग जाना होगा अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं। कौन से ऐसे कंप्लायंसेस हैं? इसमें सबसे पहले आता है एमनेस्टी स्कीम का स्टार्ट डेट। जी हां फ्रेंड्स, 43rd जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर अनाउंस किया गया था कि जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 तक की जो भी आपकी GSTR 3B पेंडिंग है उसकी लेट फीस माफ कर दी गई है। अब यहां पर बहुत सावधानी से आपको ध्यान रखना है और किन गलतियों को नहीं करना है ताकि आप इस एमनेस्टी स्कीम को एज अ एमनेस्टी स्कीम की तरह ही ले पाए। पता लगा आपने एमनेस्टी स्कीम को ध्यान में रखते हुए फुल बेनिफिट ले लिया, कल को आपके दरवाजे नोटिस आ गया और जीएसटी काउंसिल के जो भी बड़े डिसीजंस हुए हैं उन सारी चीजों की डिटेल्स आपको हमारे जून महीने की टैक्स मैगजीन में देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराया है तो आज है लास्ट डेट जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। आज के बाद आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सब्सक्रिप्शन कराएंगे, आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अभी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके 10% के डिस्काउंट बेनिफिट के साथ। तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन अपना आप करा सकते हैं। अब देखिए, जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 के लिए बताया गया है कि आप लोगों को लेट फीस जो है वो नहीं लगेगी। कब नहीं लगेगी? जब आपने इस पीरियड की रिटर्न जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 की रिटर्न जो नहीं फाइल करी है वो 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 के बीच में फाइल कर दी हो, यानी कि एमनेस्टी स्कीम कल से स्टार्ट हो जाएगी। अब जब आप कल रिटर्न फाइल करने बैठे तो आप कुछ चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। नंबर वन, लेट सपोज आप फाइल करेंगे रिटर्न अपनी जुलाई 18 से लेके मार्च 19 की, फॉर एग्जांपल 18-19 की आपकी जीएसटीआर 3B पेंडिंग है क्योंकि लेट फीस आपके ऊपर ज्यादा लग रही थी। तो जब आप इस पीरियड की रिटर्न फाइल करेंगे तो इस पीरियड के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका होगा उसे क्लेम नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 कहता है कि आप किसी इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट तब तक ले सकते हैं जब तक कि आपको जो टाइम दिया गया है उससे पहले फाइल हो गई हो रिटर्न। तो उसमें जो टाइम दिया गया है 18-19 के लिए जो दिया गया था वो था सितंबर 19 की जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट, तो वो निकल चुकी है, उसमें कोई भी आपको रिलीफ नहीं दिया गया है। पॉइंट नंबर वन, आईटीसी आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर टू, ये जो वेवर दिया गया है, ये जो एमनेस्टी स्कीम है, ये है सिर्फ और सिर्फ लेट फीस के लिए। अगर आपका जो पेंडिंग रिटर्न है उसमें कोई टैक्स लाइबिलिटी बन रही है जिसका आपको कैश में पेमेंट करना है, लेट सपोज आपकी लाइबिलिटी बनती है 1,000 रुपए और आपके पास आईटीसी जो है वो है 0, क्योंकि आईटीसी प्रैक्टिकली जुलाई 17 से लेके मार्च 20 के पीरियड के लिए आपको 0 ही दिखानी होगी। तो उसमें इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा एज पर द एप्लीकेबल रेट्स। इंटरेस्ट के लिए कोई भी वेवर नहीं दिया गया है। अब इंटरेस्ट में भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो क्या? वो ये कि जुलाई 17 से लेके आपको ध्यान रखना होगा कि दिसंबर 19 तक, जुलाई 17 से लेके दिसंबर 19 तक तो आपको जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है वही जाएगा। जनवरी 20 से लेके मार्च 20 तक का जो इंटरेस्ट रेट है
इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे कोविड 1.0 के पीरियड में। मेरे को जहां तक ध्यान में है जनवरी 20 से लेके मार्च 20 का पीरियड और अप्रैल 20 से लेके जुलाई 20 यानी कि अगस्त 20 तक के पीरियड के लिए इंटरेस्ट में स्लैब रेट के हिसाब से बांट दिया गया था। तो आपको इंटरेस्ट जो है उस स्लैब के हिसाब से ही कैलकुलेट करते हुए टैक्स का पेमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट जो है वो करना पड़ेगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको GSTR 3B को फाइल करते से पहले ध्यान में रखना है। और ये जो एमनेस्टी स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ GSTR 3B को लेकर के आई है। इसमें GSTR 1 की कोई लेट फीस की वेवर जो है वो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा GSTR 1 में आपको इसका रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ये हो गया पहला चेंज जो कि 1 जून 2021 यानी कि कल से आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है सेक्शन 168 का पावर यूज करते हुए जो डेट 31 मई 2021 को यानी कि आज एंड हो रही है उसे अब एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 29 जून तक जो कंप्लायंसेस करने थे उसे अब आप 30 जून 2021 तक फाइल कर पाएंगे। तो ये भी ये ध्यान में रखना है कि अगर आपकी कोई जीएसटी अपील पेंडिंग थी तो वो जीएसटी अपील आपको आज तक फाइल कर देनी थी, उसका डेट अब 30 जून 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस चीज का बेनिफिट आप ले सकते हैं और जल्द से जल्द अपनी ड्राफ्टिंग जो है वो कर सकते हैं और फाइलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। अपील फाइल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे अपील के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट जो है दिया जाएगा। इसके बाद आता है इनकम टैक्स का। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के लिए असेसमेंट ईयर 2021 की लास्ट डेट 31 मई 2021 है। आज के बाद आप असेसमेंट ईयर 2021 की ITR जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रख लीजिए कि आपको आज के आज ही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2021 जो है वो फाइल कर देनी है। कल से आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो एमनेस्टी स्कीम की बात मैंने आपको बताई थी, यहां बताया गया है कि आपको जो एमनेस्टी स्कीम दी जाएगी वो जुलाई 17 से अप्रैल 21 के लिए दी जाएगी। अगर आपका रिटर्न निल टैक्स लायबिलिटी वाला है तो ₹500 मैक्सिमम पर रिटर्न और ₹1000 रहेगा मैक्सिमम अगर आपकी लायबिलिटी है। और यहां पर जो रिड्यूस्ड रेट है वो 1 जून 2021 से लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो कल से आपको तैयारी कर लेनी है। जितने भी डिसीजंस आए हैं उसको आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में अगले एडिशन में देखने वाले हैं। तो आज के आज सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा इस डिस्काउंट बेनिफिट के साथ। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको GSTR 3B का जो लेट फीस वेवर स्कीम है उसको किस तरीके से यूज करना है वो अब समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।